शादी के लिए जो जो सामान चाहिए उसकी पूरी लिस्ट तो मैंने बना ली है, पर बाजार जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। कैसे खरीद के लेके आओ सब कुछ? अरे तो अपुन है ना, तू ले आएगा। टेनी मैंने एक बात बोलूं, तेरे को तो पता है कि छुटकन कभी फ्री फंड में किसी का कोई काम नहीं करता है, पर आज अपुन तेरे को फ्री फोकट में एक एडवाइस देना चाहता है। तू मेरे को ज्ञान देगा वो भी फ्री फंड में? हाँ तो दे, मैं भी देखूं छुटकन का ज्ञान कैसा होता है। बोल बोल। पहले के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत फर्क आ गया है ना। पहले तू पार्ट सेट को फूसट खड़ूस कुछ भी बोल दिया करती थी, और वो कुछ बोलता भी नहीं था तेरे को, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, तेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर अभी क्या टाइम चेंज हो गया है, अभी क्या है ना, तू पार्थ भानुशाली की बीवी बनने वाली है। मेरे को ये लगता है कि तेरे को उससे थोड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए, तेरे को नहीं लगता? बात तो तू ठीक बोल रहा है चुटकन, पर टेनी को इज्जत वाली बात करनी आती का? तो अपन सिखाएगा ना टेनी, मैंने अपन क्यों है, अपन सिखाएगा ना तेरे को। अभी देख, तू तड़ाक से बोलने की जगह तू उसको आप बोलने का, ठीक है? हाँ की जगह हाजी बोलने का, और ना की जगह ना जी बोलने का। आप हाजी ना जी, ओके जी। तू पागल हो गया क्या? मैं ऐसे हाजी हाजी करके बात नहीं करने वाली हूँ, समझा? ए टेनी बहन, तू हंस काई को रे लिए? अपुन भाई होने के नाते तेरे को समझा रेला है। अभी क्या है ना, देख, जिसके लिए दिल में इज्जत होती है ना टेनी बहन, उसको ऊपर से भी इज्जत देनी चाहिए। बड़े लोगों को कैसे अपन सम्मान दिखाने के लिए आप बोलते हैं, दो तीन बार तू ऐसा बोलेगी तो तेरे को आदत पड़ जाएगी फिर उसकी। थोड़ा प्रैक्टिस करनी तेरे को। देख, अपन तेरे को प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है? अभी तू समझ के हाँ, तू ये समझ कि पार्थ सेठ, पार्थ जीजू यहाँ पर बैठे, ठीक है? और तेरे को पार्थ सेठ को एक मस्त मलाई मार के चाय पिलाने का है, ठीक? अभी तू अपन को ये करके बता कि पार्थ सेठ को फुल इज्जत दे करके चाय कैसे पिलाएंगे। चालू हो जा। इज्जत वाली टेढ़ी, पारस जी आप कब से अखबार में घुसे हुए हैं? थोड़ी सी चाय पी लीजिए ना। क्या बात है, आपकी थकान सारी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, लीजिए ना लीजिए। टेढ़ी ये सब नहीं कर सकती, टेढ़ी पे इज्जत पे इज्जत सूट नहीं करता, मैं ये सब नहीं करूंगी। हाँ, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, क्योंकि पारस ने मेरे को वैसे ही पसंद किया था जैसी मैं हूँ। हाँ राइट, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तुम बदलो, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। पारस, वो तूने हमारे दिल्ली बैठ, तूने सब कुछ सुन लिया क्या? हाँ, और अच्छा किया जो सुन लिया मैंने, क्योंकि तुम्हें ऐसे जेलना फिर भी आसान है। तुम्हारे तू बोलने से मैं खुद को तुम्हारे करीब महसूस करता हूँ, फिर क्यों आप बोल के दूर करना चाहती हो? वो सब छोड़, तू कैसे आ गया वापस से, क्या हो गया? अरे मैं ये कहने आया था कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो शादी की तैयारियों में तो मुझसे कहना, और अगर मुझसे ना कह सको तो प्लीज घर में किसी को फोन कर देना, और उससे भी जरूरी बात, अपना ख्याल रखना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना काम खुद करने की आदत है, लेकिन इस बार प्लीज सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर मत उठा लेना। थोड़ा काम इसे भी सौंप देना, मुझे पूरा भरोसा है इसमें कि ये पीछे नहीं हटेगा। और हाँ, कोई भी बात हो सीधा मुझे फोन करना, पक्का चलता हूँ। चुटकन तू इधर, तेरी इज्जत की चक्कर में मेरी बेइज्जती का प्रोग्राम हो गया। पारस क्या सोचेगा कि किसी बेवकूफ लड़की के साथ बनने वाले किसी बेवकूफ लड़की के साथ शादी हो रही है? वो क्या बोल के गया तेरे को, घर वालों को फोन करने का, अपना ख्याल रखने का, मेरे को कहीं को मार रही है? अपुन जाए लाए, बहुत बिजी आदमी। तो निकल जा। टेनी, तुम जैसी हो वैसे ही रहो, तुम्हारे तू बोलने से मैं खुद को तुम्हारे करीब महसूस करता हूँ। जैसी हो वैसे ही रहना। ये ले टेनी बहन, उन्हें जो जो ड्रेस मंगवाई थी अपुन से, अपुन सब ले आया। अभी इनमें से फर्स्ट क्लास रापचिक ड्रेस को छांट ले आज रात के संगीत के प्रोग्राम के लिए। इसे फाइनल करो छुटकन,
यही तो समझ नहीं आ रहा है ना कि कौन सा पहनूं, कंफ्यूजन हो रही है, सभी अच्छे लग रहे हैं। अरे तो सिंपल है, अपुन तेरे को पार्थ जीजू को फोन लगा करके देता है, तू उनसे बात कर ले, उनसे पूछ ले कि कौन सा समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। तू एक काम कर टेनी बहन, अपुन बाहर जाता है तू आराम से पार्थ जीजू को फोन लगा ले, बात कर ले। चुटकन में पारत को फोन नहीं करने वाली, तू जा यहां से। अरे टेनी बहन तेरे को जो करना है वो जल्दी कर, बहुत काम बाकी है अपुन का। तू जा ना, मैं कर लूंगी। अपुन जा रहे हैं। रह जा, मैं डिसाइड कर लूंगी। क्या करूं, कौन सा पहनूं? हाँ चुटकन। पार्थ जीजू, बात ये है ना कि आपकी होने वाली बीवी बड़ी परेशान है। हाँ, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो संगीत के लिए कौन सा ड्रेस पहने, इसीलिए नंबर घुमा डाला क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। पर यहाँ से निकलूँ कैसे? पार्थ कहाँ जा रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना, मैं आता हूँ। पार्थ, ये क्या, तू कैसे जा सकता है? 2 दिन बाद शादी है, जब तक रस्में पूरी नहीं हो जाती तो कहीं नहीं जा सकता। माँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां टेनी अकेली परेशान हो रही है, ऐसे में मुझे उसकी मदद करने जाना चाहिए ना? तुम्हें जाना चाहिए भाई, कैसे जा सकते हो? खोटू नहीं कहो, रीति रिवाज नियम कानून जैसी भी कोई चीज होती है, अभी 2 दिन में तो शादी है और अभी तुझे दुल्हन से मिलना है, नहीं तू मिलने नहीं जा सकता, बस। बिल्कुल सही कह रही है पोइनी, दूल्हा दुल्हन नहीं मिल सकते भाई, है ना? हाँ, पर एक दोस्त तो अपने दोस्त से मिल सकता है। आ पार्थ जा, टेनी को भी अच्छा लगेगा। जी दादी। दोस्त बाबा, क्या बात कही, एक दोस्त को मिल सकता है। मैं माता जी, मेरी मदद करो ने, क्या अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। हाँ, कर पकड़ करती हूँ। भरत, माँ बापूजी बहुत नाराज हो रहे हैं, प्लीज अब हमें सारे फंक्शंस अटेंड करने होंगे। भरत, घर में शादी का माहौल है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे में अगर घर का दामाद ना नजर आए तो भरत लोग तरह तरह के सवाल पूछते, तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे लिए लोगों के सवालों का जवाब देना कितना मुश्किल हो जाएगा। भरत, पार्थ की जिंदगी में इतने दिनों बाद इतनी सारी खुशियां आई हैं, कम से कम उसके लिए सब कुछ भुलाकर बाकी की रस्मों में शामिल हो जा। मैं वादा करती हूं कि शादी हो जाने के बाद हम घर वालों को जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे, ठीक है? वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत खुशी हुई तू कॉलेज से छुट्टी लेकर आ पाई, वरना भाई की शादी में बहन ना हो कैसा लगता, बहुत सुना सुना होता, ऐसे और अच्छा होता अगर सेज ला पाती तो। पर माँ एक बात बताओ, इतनी जल्दी में कौन शादी करता है? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं, ऊपर से शॉपिंग का भी टाइम नहीं है कि मैं जाकर कुछ ड्रेसेस लेके आ जाऊं। बस बस बस, मैं जानती थी ही होने वाला है, तुझे समय ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पहले से तेरे लिए खरीदारी करके रखी। एक मिनट, ये देख, संगीत के लिए कैसा? वाओ माँ, बहुत सुंदर है। थैंक यू माँ। माँ, आपको पता है मैं पार्थ भाई के लिए बहुत खुश हूँ, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि टेनी मेरी भाभी बनने वाली है। हाँ बेटा, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि टेनी अब हमेशा हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाएगी, है ना?
अच्छा तू जा इसे ट्राई कर और बता मुझे कैसा है। हाँ ठीक है मैं अभी आती हूँ। क्या है टेन, यूं तो तेरा खूब दिमाग चलता है, अभी तेरे को इतना भी नहीं समझ आ रहा कि तू क्या पहने गया रिसम को संगीत है। फटाफट से चुन ले क्या पहने समझी, ये रंग तो मेरे पे जच। अभी तू ये मत सोच तेरे पे क्या जचता है क्या नहीं जचता है, अभी तू ये सोच कि तू जो पहनेगी वो भानुशाली स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए और भारत को अच्छा लगना चाहिए समझी। पार्थ जीजू अच्छा हुआ आप आ गए। टेनी का है? अरे अपन सुबह से समझा ले लाया उसको, पता नहीं पागल ही जो गए लिए, सुबह से रट लगा के रखे लिए कि क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं, पहले तो कभी उसने ऐसा किया नहीं, अभी अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसको। अपन को तो लग रहा है भानुशाली परिवार की बहू बनने का लोड ले लिया उसने, तभी दिमाग फिर गया है उसका। नहीं मतलब वैसे अपन की टेनी बहन एक नंबर है, बिल्कुल बिंदास। पर क्या है ना पार्ट सेट, ये तो वो लड़की, अभी क्या होता है ना लड़कियों के पास पहनने के लिए भले ही हजार ड्रेस हो गए लेकिन फिर भी वो यही बोलती है कि क्या पहनूं, अपन के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है क्या पहनूं। अभी ये केस हो गया है आपका, अपने हिसाब से इसको संभालो। ठीक है मैं देखता हूं। मेरे को क्यों समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं, छुटकन की बात मान लो, भारत को फोन कर लो। चाटेंगे तू भी अभी तक छुटकन की बात पे अटकी है, बेचारा भारत कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने कभी भी आ सकता है। चुटकन ने फोन करके परेशान किया क्या? चुटकन बहुत ही बदतमीज हो गया, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है, फालतू में तेरे को परेशान किया, अभी बता रही हूं। चुटकन को छोड़ो ना, मैं आ गया हूं ना, तो अब बताओ, अब जो भी प्रॉब्लम है हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो बताओ क्या कंफ्यूजन है ड्रेस को लेकर? इसको क्या बताऊं, इसको भी लगेगा कितनी टप्पल लड़की, एक ड्रेस भी खुद नहीं फाइनल कर पा रही है। टेनी टेनी बताओ ना क्या कंफ्यूजन है? वो मैं बोल रही थी कि तू इधर आ, इधर देख ये तीनों ड्रेस है मेरे पास, मेरे को तो तीनों ही पसंद है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इन तीनों में से कौन सी पहनूं। तो ये तीन ड्रेसेस है, एक काम करो तुम ये सारी ड्रेसेस एक एक करके खुद पर डालकर दिखाओ फिर डिसाइड करते। आइडिया तो तेरा अच्छा है, रुक अभी दिखाती हूँ। मुझे तो कोई भी अच्छी नहीं लगी। अरे तो लिमट तेरे को इन तीनों में से कोई अच्छी नहीं लगी तो फिर भारत में आज सम कुसंगीत में क्या पहनूंगी? एक मिनट मिनट अभी क्या पहनेगी टेनी? अच्छा हो गया जो पारा था क्या उसने मेरे को बता दिया, नहीं तो वहां पे जोकर बन के चली जाती, सब हंसते थे तेरे पे टेनी। ये इतनी खूबसूरत ड्रेस, अगर तू ये ड्रेस लेके आया था तो मेरे से इतना तमाशा क्यों कराया? हाँ क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहता था कि तुम्हारी पसंद की हुई ड्रेस मेरी पसंद की हुई ड्रेस से अच्छी है कि नहीं। अच्छी नहीं, अच्छी से भी ज्यादा अच्छी है, और टेनी आज शाम को अपने संगीत में यही पहनेगी।
पर सब नहीं पिया जा। शौर्वरी, ये लो, ये तुम्हें रिकवरी में हेल्प करेगा। शौर्वरी, मैं 22 साल से इस मेडिकल फील्ड में हूँ। आज तक मैंने इन मिराकल केसेस के बारे में सिर्फ सुना था, बट इन योर केस मैंने पहली बार एक चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है। पूरे 3 महीने तुम कोमा में थी, एक जिंदा लाश की तरह। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ही तुम कभी होश में आ पाओगे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी डॉक्टर कि मैं बच जाऊंगी। कहते ना, प्यार में इतनी ताकत होती है कि मौत के मुझे भी खींच लाती है। ये मेरे पार्थ का प्यार ही नहीं तो और क्या हो सकता, जो मुझे जीने की वजह दे रहा है हर पल। शौर्वरी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सर्दी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और क्या पता मेरे पास आने से तुम्हारी सर्दी ठीक हो जाए। तुम्हें पता है ना, पास आने में खतरा है। अरे, तुम्हारे पास आने के लिए मैं किसी भी खतरे से टकराने को तैयार हूँ। और फिर हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई तो फिर सर्दी क्या चीज है, साथ में झेल लेंगे। नहीं, मुझे पार्थ से बात करनी है। मेरी पार्थ से बात कर रही है ना। शौर्वरी, तुम 3 महीने से कोमा में थी, कोई नहीं जानता कि तुम्हारे घर वालों पर क्या बीत रही होगी, पार्थ किस कंडीशन में होगा, और क्या पता जो तुम चाहती थी वो हो गया हो। ऐसे में कॉल करना, बात करूंगा। मेरे जाने के बाद पार्थ को कभी मेरी याद नहीं आने दूंगी, उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। अपना माथा सुना करके मेरे माथे पे बिंदिया लगा रही। औरत का सबसे बड़ा गहना होता है उसका पति। मैं तुम्हें पहले ही सौंप चुकी हूँ। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से मुझे मिलने आओ और पार्थ से कह दो कि शौकरी आ रही है उनसे मिलने। पार्थ कभी भी मेरी जीते जी टेढ़ी को नहीं अपनाएगा। अगर पार्थ और टेढ़ी की शादी करवानी है तो मुझे मरना होगा। टेनी एक हो गई तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि जानती हूँ कि टेनी उसे हमेशा खुश रखी थी, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर मैंने अपनी अपनी मौत तो खुद ही प्लान करी थी।